Bismillahir Rahmanir Rahim. Aziz Azizulba. This is Sajjad Malik. Once again, I'm in your service. We are uh, studying why boys fail in college, and we are discussing it in, uh, you know, in the last three lectures. We have been discussing it, uh, you know, for the last three lectures. तो टेक्स्ट मैंने तो इसकी कंप्लीट करवा दी है आज हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और उसमें इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज के हैं और जो पास पेपर में एडिशनल क्वेश्चंस आते हैं मैं उनके बारे में भी बात करूँगा और फिर इसके साथ साथ अब हमें जो एक टेन मार्क्स का हमारा पेपर बी के हवाले से आता है जो पोर्शन होता है वो है ई का ईडीमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं और फेज वर्ब्स होते हैं हम प्रेफ़र करते हैं कि हम ई की तरफ ज़्यादा जाएँ चूंकि हमें ऑप्शन मिल जाती है इतनी कि अकेले ई करके हम काफ़ी सेफ़ हो जाते हैं और वो उसको तैयार करना उसे याद रखना भी आसान होता है पहले मैं क्वेश्चनस की बात करूँगा फिर इन शाला मैं ई के ऊपर आता हूँ यहाँ पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं तो पहला क्वेश्चन है इसका बेटा इसको गौर से देखिएगा अकॉर्डिंग टू दथर देर आर फेल मुसनफ़ के मुताबिक कुछ लड़के होते हैं या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नाकाम हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट ट्राई चूँकि वो कोशिश नहीं करते हु आर दे वो कौन होते हैं कैन वी हेल्प दैम क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं जी आमतौर पर ऐसे लो, लोग होते हैं जो नाकाम होते हैं जो कोशिश नहीं करते इन फैक्ट वो लेज़ी होते हैं वो बड़े डल होते हैं वो एमलेस लोग होते हैं हम उनकी ये मदद कर सकते हैं कि वी कैन मेक दैम रियलाइज अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड एज वेल एज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क इन लाइफ वी जस्ट कैन मेक दैम रियलाइज दैट लाइफ इज़ नॉट अ bed ऑफ roses. यू सिंपली हैव टू वर्क विजिडेंटली इफ़ यू want टू मेक योर करियर और बेहतर करियर के लिए बेहतर फ्यूचर के लिए हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है what इज़ अ common कॉज ऑफ फेलियर सबसे जो आम वजह है नाकामी की वो क्या होती है या इसको ऐसे भी पूछा गया व्हाट वट द राइटर मीन बाय द मिस्टेक एंड एम्बिशन फॉर बॉय और द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स वालदे जो अपने बच्चों से गलत ख्वाहिशा लगा लेते हैं इससे क्या मुराद है मिस्टेक एंड एम्बिशन से हाउ आर पेरेंट्स सम टाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ़ देयर सन किस तरह से बाज़ात वालदे अपने बच्चों की नाकामी की वजह बनते हैं डेफिनेटली एंड पॉजिटिवली ये जो ग़लत ख़्वाहिशात होती है इन फैक्ट ये इसी तरह है कि आप बच्चा मशरक़ को जाना चाहता है आप मगरब को ले कर जा रहे हैं इन फैक्ट वो पेरेंट्स हवा का रुख देखते हैं कि हवा इस तरफ चल रही है लोग फ़लाँ है वो डॉक्टर बन गया वो इतना कमा रहा है फ़लाँ डेंटिस्ट बन के इतना कमा रहा है फ़लाँ ने कोई लॉयरिंग किया इतना कमा रहा है तो मेरा बच्चा भी ये करे इन फैक्ट वो बच्चे के रियल पोटेंशियल को उसके हिडन टैलेंट को उसकी फैक्लिटीज़ को नहीं पहचानते बच्चे बहुत सारे घट किस्म के बच्चे देखे हैं जो इस तरह से आँखों के सामने तबाह हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये वालदे की जो गलत ख़्वाहिश है ये बच्चों की नाकामी का सबब बनती है और यहाँ पर वालदेन को सोचना होगा वो अपने आप को बरी करार नहीं दे सकते क्वेश्चन नंबर थ्री है वाई डू दी टैलेंटेड और ब्राइट बॉयज़ एट स्कूल फेल व्हेन दे कम टू कॉलेज ये जो बहुत सीरियस किस्म के टैलेंट होते हैं जब ये स्कूल में जो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते हैं जब कॉलेज आते हैं तो फेल क्यों होते हैं हु इज़ दी मोस्ट पिटीएबल ऑब्जेक्ट अमंग ऑल फेलिंग बॉयज़ इसको ऐसे भी पूछा गया जितने भी नाकाम होने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा काबिल रहम जो ऑब्जेक्ट होता है जो बच्चा होता है या स्टूडेंट वो कौन होता है वो फेल्स बिकॉज ऑफ़ ओवर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो से ज़्यादा अतम की वजह से नाकाम कौन होता है देखें ऐसे लड़के और लड़कियाँ जिन्हें मैं अगर थोड़ा सा सैटायरिकली कहूँ ऐसे हीरोज़ और हेरोइंस ऐसी पाई जाती हैं या पाए जाते हैं जो बहुत इजीली छोटे सिलेबस के साथ स्कूल में खेल रहे होते हैं वो छोटा सा प्ले होता है चंद एक चीज़ें होती हैं जहानत जहानतल ने ज़्यादा दी होती है वो आसानी से क्रैम कर जाते हैं पेपर देते हैं एज इट इज़ चीज़ें आ गई बहुत अच्छे मार्क्स ले ले, और उसी गुड सेंस के अंदर उसी खुश फैमिली में मुबतला वो कॉलेज में भी वही वतीरा इख्तियार किए रखते हैं पर यहाँ ऐसा नहीं चलता और फिर पूरी तरह से नाकामी एक फियासको उनका मुकद्दर बन जाता है इन फैक्ट ये सबसे ज़्यादा पिटिएबल वो लोग इसलिए होते हैं कि ये अपनी फेट के साथ खुद खेलते हैं ये अपनी किस्मत को ख़ुद बर्बाद करते हैं हाउ डज़ फाइनेंशियल प्रेशर क्वेश्चन नंबर फोर है हाउ डज़ फाइनेंशियल प्रेशर लीड दी स्टूडेंट्स टू फेलियर किस तरह से ये माशी दबाव नलबा ना, को नाकामी की तरफ ले जाता है हाउ डू पुअर स्टूडेंट्स मीट देयर एक्सपेंसेस फिर इस तरह के जो बेचारे गरीब किस्म के तालब इलम है ये अपने एक्सपेंसेस किस तरह से मीट करते आपको तारीख में ऐसी बहुत सारी मिसालें मिली होंगी कि फ़लाने वो रातों को वो सिनेमाज़ के अंदर वो कुछ ग्राउंड नट्स बेचते थे कोई सिगरेट बेचते थे कोई समोसे बेचते थे और वो इस तरह से रेड़ियाँ लगाते थे और वो बहुत बड़े इंसान बन गए ऐसा भी है लेकिन अक्सरीत के साथ ऐसा नहीं होता फाइनेंशियल प्रेशर डेफिनेटली स्टूडेंट्स की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है ना सिर्फ उनकी सेहत बल्कि एजुकेशन को भी तबाह बर्बाद करता है सारी रात काम करके अब सारा दिन पढ़ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ऐसी चीज़ों से अवॉइड इसी सूरत किया जा सकता है वो वालदे जो इनको इस दुनिया में लाने

बहुत सारे तालब इलाम जब वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहे होते तो डेफिनेटली कॉलेज अगर वो प्रॉपर एक शेप में कॉलेज है तो वहाँ पर उसके अंदर एक डॉक्टर होना ज़रूरी होता है और जो जो टीचर्स होते हैं या तदरीसी अमला जो टीचर्स जिसमें हैं वो और उसकी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं अगर वो उसकी डिटेरीटिंग परफॉर्मेंस को दे रहे हैं देख रहे हैं तो उन्हें डेफिनेटली वो जो टीचिंग स्टाफ है और जो कॉलेज डॉक्टर है उसके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और अगर उनका प्रॉपर फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है पेरेंट्स को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए अगर किसी भी ऐसी बीमारी को डिटेक्ट कर लिया जाता है जो उनकी इंड्रेस्ट बन रही है उनकी स्टडीज़ के अंदर तो ये उनके ऊपर बहुत बड़ी एक फेवर होती है बड़ा एहसान होता है और ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो हेल्थ की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते वो स्टैंडर्ड किस्म के रिसर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेज कॉलेजेस में अब ये जो खिलाड़ी खिलोड़ी होते हैं इनका कौन सा मुकाम देंगे वट डज़ ड राइटर गिव टू स्टूडेंट्स टू टेक टू मच इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहते हैं तो मुतन उनको क्या मशवरा दे रहा है हाउ डो स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अफेक्ट स्टूडेंट्स एजुकेशन किस तरह से खेल और गैरनसाबी सरगर्मियाँ तलबा की तालीम पर असरानंदाज होती हैं ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा दिखा रहे होते हैं इसको अगर इस तरह समझा जाए कि ये प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बड़े स्पोर्ट्स मैन हैं या हम जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं स्पेशली लिटरेरी एक्टिविटीज़ में हम बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं बड़े अदबी रखने वाले बंदे हैं उनको मशवरा देता है कि आप अपने खोल को तोड़ो अपने मेन टेंट से बाहर आओ और प्रोफेशनल प्लेयर बनो प्ले, प्रोफेशनल आप लिटरेरी फिगर बनो एक्टर बनना चाहते हो सिंगर बनना चाहते हो लिखारी बनना चाहते हो जो भी बनना चाहते हो आप प्रोफेशनली काम करें प्रोफेशनली ट्रेंड हो लेकिन इन फैक्ट वो वो सो so कॉल्ड होते हैं वो नाम नेहद होते हैं उनके अंदर ये नेटिव एबिलिटीज़ होती नहीं है इस वजह से ना वो वहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं अपनी स्टडीज़ में और ना ही अपने ये शौक के अंदर इसकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है दे आर सम स्टूडेंट्स जॉइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट कुछ तालब इलम ऐसे होते हैं जो कॉलेज सिर्फ तफरी के लिए आते हैं अम्यूजमेंट के लिए आते हैं शुड दे बी अलाउड टू स्टे क्या उन्हें कॉलेज में कयाम की इजाज़त या रुकने की इजाज़त होनी चाहिए वो आर लेज़ी ब्लफ़र्स ये काहल सुस्त धोस जमाने वाले रोब जमाने वाले ये कौन होते हैं बट विद लेज़ी ब्लफ़र्स और फिर ऐसे धोस जमाने वाले काहलों के साथ इन दी एंड होता क्या है ये बहुत सारे लोग ज़िंदगी को ग्रांटेड लेते हैं ये वो लोग होते हैं जो अपनी स्टडीज़ को ग्रांटेड लेते हैं नॉन सीरियसली लेते हैं इनफैक्ट ये अपनी ज़िंदगी के साथ कह रहे होते हैं इनको ज़िंदगी के साथ भी इतना ही नॉन सीरियस अप्रोच होती है डेफ़िनेटली आप अपने करियर को बना रहे होते हैं स्टडीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती एक स्टूडेंट की जिंदगी के अंदर क्योंकि इसी की बेस पे कल उसने अपना नाम मुकाम माशरे के अंदर इज्जत सब कुछ बनाना होता है जो आज इसकी परवाह नहीं कर रहा डेफिनेटली वो अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता वो जिस तरह से आते हैं इसी तरह से कॉलेज से निकल जाते हैं क्योंकि उनकी अप्रोच इंतहाई नॉन सीरियस होती है लेकिन ऐसा होता है ऐसा होता है कि कैसे भी केसेस देखे गए लकीली ऐसे केसेस देखे गए हैं कि कुछ लोग जब दुनिया के अंदर जाते हैं जब अपनी कीमत लगवाते हैं और ये देखते हैं कि वो दो टके के भी नहीं हैं उनकी कोई कीमत नहीं है ये बेरहम दुनिया टैलेंट देखती है आपके हुनर को देखती है आपकी बातों को आपकी शक्ल को नहीं देखती तो फिर वो वापस आते हैं सबक सीखते हैं वापस आते हैं और फर्स्ट रैंक काम करते हैं डबल उन्हें काम करना पड़ता है एक तो वो मेहनत करते हैं दूसरा उन्हें मुसलसल साबित करना पड़ता है अब हम सीरियस हैं अब इसके एडिशनल क्वेश्चंस की तरफ बेटा आते हैं अब लुक एट दैट ये मुख्तलि पास पेपर से लिए गए हैं आपकी जो की बुक है उसके अंदर इसके आंसर्स भी मौजूद हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉयज फेल टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन कितनी किस्मों के लोग हैं जो इम्तहान में फेल होने में नाकाम हो जाते हैं बेटे दो तरह के एक वो जो कोशिश करते हैं एक वो जो कोशिश नहीं करते ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है बट इज़ द रोल ऑफ लैक ऑफ़ कंसनट्रेशन इन द फेलियर ऑफ़ वॉयस लड़कों की नाकामी में तवज्जो की कमी का क्या किरदार होता है या व्हाट इज़ दी कॉज ऑफ़ लैक ऑफ़ कंसनट्रेशन इन स्टूडेंट्स ऐसे भी ये पूछा गया है वाई डू बॉयज नॉट कंसनट्रेट ऑन स्टडीज लड़के अपनी पढ़ाई पर कंसनट्रेट क्यों नहीं करते इसका डिरेक्ट लिंक बनता है नर्वस हैबिट्स के साथ चूँकि उनके अंदर एक रेस्टलेसनेस पाई जाती है वो एक बेचानी एक तरह का शिकार होते हैं वो इनफैक्ट कंसनट्रेट एक जगह के बैठ नहीं सकते टिक के बैठना किताब खोलना और उस पर फोकस करना उनके लिए मौत के बराबर होता है ऐसी सूरत में फिर क्या करते हैं वो इनफैक्ट दिखावे के लिए पढ़ रहे होते हैं एपोरेंटली अपने आप को भी तसली देने के लिए और अपने घर वालों को भी तसली देने के लिए किताब ओपन बुक प्रेजेंस उनकी नज़र आएगी लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा होता है मेरा फ़लाँ दोस्त ये कर रहा है फला ये कर रहा है मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लूँ मैं ये कर लूँ मैं टेलीविजन पर ये देख लूँ मैं नेट पर यह कर लूँ तो इनफैक्ट फैक्ट वो जो सिर्फ़ ओपन बुक प्रेजेंस होती है वो कोई तोज्जो दे नहीं रहे होते ऐसे लोगों को अपने अंदर एक पाए एक तोज़न पैदा करना होगा और एक सुकून पैदा अगर वो कर लें तो वो अल्टीमेटली फ़ेल होने से बच सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन फिजर्स एंड नर्वस हैबट्स भी अपरूडेड फिजर्स जो होती है जो बेचैनी रेस्टलेसनेस है और ये जो असाबी आदात है इनको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है हु कैन अप्रोड द नर्वस हैबिट्स इन दॉ और लड़के में यह जो असाबी प्रॉब्लम्स हैं इन्हें कौन एलिमिनेट कर सकता है कोई और नहीं कोई और सिर्फ पॉइंट आउट कर सकता है कि भाई आप में ये मसला है कोई आपको पॉइंट आउट कर सकता है कि आप किताब तो खोल के बैठे हो आप कंसेंट्रेट नहीं कर रहे हो एक पेंसिल तेज करते हो दस और करने लग जाते हो एक किताब साफ करते हो सारी किताबें साफ करने लग जाते हो एक कोई पॉइंट आउट कर सकता है कि आपका ध्यान कहीं और हो सकता है लेकिन इसका इलाज खुद स्टूडेंट्स के के अलावा ऐसा जो विक्टम स्टूडेंट होता है या ऐसे जो स्टूडेंट्स जो खुद इसके विक्टम होते हैं इसके अलावा किसी के पास इसकी रेमिडी नहीं होती ये सिर्फ स्टूडेंट खुद ही खुद को क्योर कर सकता है हाउ कैन द्राइड गेट थ्रू एग्जामिनेशन बड़े प्रॉमिसिंग किस्म के होने हार किस्म के लड़के इम्तहान में कैसे कामयाब हो सकते हैं या फिर ऐसे जो सीरियस किस्म के कट सी, टैलेंटेड पोटेंशियल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी नाकामी को कैसे अवॉइड किया जा सकता है तो फिर ऐसे जो होते हैं जो नियरली डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी इंटेलिजेंस पे उन्हें यह बात रियलाइज करना होगी या करवानी होगी कि अकेली जहानत काम नहीं करेगी जहानत का ऑल्टरनेटिव वर्क होता है एंड देर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ वर्क इन लाइफ मेहनत की कोई निमल बदल नहीं एक एवरेज स्टूडेंट है और एक बहुत प्रॉमिसिंग स्टूडेंट है एक प्रॉमिसिंग स्टूडेंट एक घंटे में तैयार कर लेगा तो एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट वही दो या तीन घंटे में कर लेगा लेकिन प्रॉमिसिंग स्टूडेंट अगर एक घंटा नहीं लगा रहा और वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट तीन घंटे लगा रहा है तो अल्टीमेटली जो फतह है वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के हाथ में चले जाएगी देखिए एक मौके पे तो वो क्लिक कर सकता है लेकिन इंसेसेंट किस्म की जो एफर्ट्स होती हैं उनका कोई तोड़ नहीं होता तो जो इंसेसेंट एफर्ट्स करते हैं कंटिन्यूस जो एफर्ट्स करते हैं वही बच्चे वही स्टूडेंट्स अल्टीमेटली डिजर्व करते हैं बड़ी सक्सेस के लिए और बड़ी सक्सेस के लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स के ऊपर रिलाई करना है ना कि अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जहानत पर हाउ कैन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स भी सॉल्व बाय कॉलेज कॉलेज बच्चे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व कर सकता है उनके पास कुछ ऐसी होते देखे टीचर इसको फील करता है या बच्चा खुद बता देता है कॉलेज ऑफिस है क्लैरिकल स्टाफ होता है अगर वो पे नहीं कर सकता वहाँ के ड्यूज़ नहीं दे सकता बुक्स के पैसे नहीं हैं या ख़ुद को मेनटेन करने के लिए तो हर कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप फंड्स होते हैं स्टाइपेंड्स होते हैं या फी कंसेशन की सूरत में कॉलेज उन्हें रियायत दे सकता है और उनको हेल्प आउट कर सकता है इस तरह एक स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकता है और बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं जो बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देते अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ इस वजह से कि उसके पास चंद एक पैसे नहीं है लास्ट क्वेश्चन है इसका ज़ दी ड्यूटी ऑफ कॉलेज डीन जो सरबरा होता है जो हेड होता है जो सीनियर मोस्ट जो स्टाफ का मेम्बर होता है उसका क्या फ़र्ज बनता है और वो किस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नाकामी से बचा सकता है एक कॉलेज डीन के अंदर बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह डायग्नोस्टिक एबिलिटी होनी चाहिए वो उसके गहरी नज़र एक तशीसी नज़र होनी चाहिए उसके पास डायग्नास्टिक आय होनी चाहिए और अगर वो ऐसी एबिलिटी रखता है तो फिर ऐसे बच्चे जो फुलिशनेस की वजह से या सिकनेस की वजह से या किसी सिन में पढ़ के किसी बुराई में पढ़ के या पावर्टी की वजह से हेल्थ नर्वस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से जो नाकाम होते हैं अगर कॉलेज डीन पूरी तरह से उनके साथ कॉपरेट करता है और जो एडवाइस करता रहता है कंसिस्टेंट इनको इनक्रेज करता है तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के मुस्तबिल को तबाह होने से बचाया जा सकता है अल्टीमेट एंड रियल ड्यूटी तो यहाँ पर आते हैं अब मैं पहले में भी चुका था कि अब आपके जो की बुक है उसमें आप देखेंगे कंटेंट्स में तो ईडी का सेक्शन आएगा और आ, मैं जो आपको नेक्स्ट असाइनमेंट देने जा रहा हूं उसमें ईडीएम्स आपसे कम अज कम एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मैंने कोई तीन चार लेक्चर पहले भी कहा था कि आपको रूटीन बनाना होगी टेन ई डी डेली आज मैं आपके कुछ मैंने ई आपके सामने लिखे हैं इसको तरीक़ाकार बता देता हूँ कि आपने इसका मीनिंग क्लियर करना है और किसी भी आसान तरीन सेंटेंस में इसको यूज़ करके इसका मीनिंग क्लियर करना होता है लेकिन याद रहे कि उसका मीनंग क्लियर करना होता है मुकम्मल तौर पे वो जाम कॉम्प्रीहेंसिवली इसका मीनिंग और आपको बहुत कोई फ्लॉरी इंग्लिश लिखने का भी यहाँ पे कहा जा रहा है कोई बहुत हाई फाइव कैप का भी नहीं कहा जा रहा हाँ जितना आपकी लिमिट्स हैं उसके अपने मींस के अंदर रहते हुए आप इसे अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं क्योंकि डिस वन इज़ एन ऐपल ऑफ वंस आए इसका मतलब होता है किसी का मंजूर नजर होना किसी का बहुत फेवरेट होना एन ऐपल ऑफ वंस आए किसी का बड़ा मंजूर नजर होना बड़ा फेवरेट होना हम ऐसे कह सकते अहमद इज एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई अहमद अपने बाप का बड़ा मंजूर नजर है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, फसाद की जड़ बॉर्न ऑफ कंटेंशन इसको बॉर्न ऑफ कंटेंशन ये भी ईडीएम सिमिलर मीनिंग रखता है फसाद की जड़ एन ऐप्पल ऑफ डिस कार्ड तो नॉर्मली हमारे जैसे ज़ुबान पर भी चढ़ गया है अगर हम देखते हैं जब भी बॉर्न ऑफ कंटेंशन आता है या एप्पल ऑफ डिस्कार्ड आता है तो इंडिया पाकिस्तान और काश्मीर का मसला हमारे जहन में आ जाता है नॉर्मली so ऐसा एक सेंटेंस मनाया जाता है काश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिसका्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान या दिस पीस ऑफ लैंड इज़ आ बॉर्न ऑफ कंटेंशन और यू मे कॉल इट एन एप्पल ऑफ़ डिस्कार्ड बिटवीन टू ब्रदर्स अ बेड ऑफ रोज़ेस, फूलों की सेज कंफर्टेबल। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेस फॉर अ कॉमन मैन फॉर अ ले करके खाने वालों के लिए ज़िंदगी कोई फूलों की सेज नहीं हुआ करती अब बोर्ड अब बोर्ड का बेटा मतलब है शक को से बाला होना कोई डाउट ना होना जिसके लिए हम बड़ा एक कंपैक्ट uh, किस्म का सेंटेंस ये बना सकते हैं हिज या हर ऑनेस्टी इज़ अब बोर्ड उसकी दयानतदारी पर किसी को शुभा नहीं है वो शक्को शुबा से बालातर है अ फिश आउट ऑफ वाटर मछली को पानी से बाहर निकालें तो कैसा फील करेंगे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो तड़पेगी मछली पानी के बाहर तड़पेगी तो बड़ी ही बेचैनी के हालत में होना बड़ी बेचैनी की हालत में होना अ मदर वॉज फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन दबसेंस ऑफ हर सन अ वाइल्ड गूज चेज ये गूज एक ऐसा सी बर्ड होता है बेटा इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ कि ये इतना इसके अंदर एजिलिटी होती है ये इतना स्विफ्ट होता है कि कोई इसको पकड़ नहीं सकता इसको पकड़ना आलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है अब वाइल्ड गूज चेज़ का मतलब होता है नाकाम कोशिश करना एक बेसमर मुहिम पर जाना जिसका कोई फ्रूट्स नहीं आपको मिलने वाला ऑल एंड सेंट्री ऑल एंड सेंट्री होता है तमाम तबकात के लोग छोटे बड़े अमीर गरीब यानी तमाम तबकात के लोग एट दि अलेवंथ आवर एट दलेव आवर एन वक्त पर एन वक्त पर बिल्कुल जब टाइम एन वक्त आ जाता है तो बाजुकात इंसान फ्लस्टर का शिकार हो जाता है या कोई चीज़ याद आ जाती है तो आम तौर पर ये इस तरह सेंस में लिया जाता है कि जब कोई चीज़ एट यू नो ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट हिज पेपर बट एट दी अलेवेंथ आर ही रिमेंबर्ड

इन द सोसाइटी एट डैगर्स ड्रॉन डैगर्स हैं खंजर निकाले हुए ना उधर से खंजर उधर से खंजर निकले हुए हैं यानी दुश्मनी होना अदावत होना वो दो लोगों के दरमियान हो सकता है दो ग्रोहों के दरमियान हो सकता है कौमों के दरम्या हो सकता है उसी तरह से जैसे हमें इंडिया पाकिस्तान हमेशा एड एगर्स ड्रॉन रहते हैं तो बेटा ये आपने इसके मीनिंग्स आपको अगर जहन में है तो यू कैन मेक योर सेंटिसज़ वेरी ईज़ीली नेक्स्ट लेक्चर में इन शह बेटा मैं आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश की टेक्निक बताऊँगा इनशाला वेरी सोन मे बी टमारो मे बी डे आफ्टर टमारो लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इनशाला आपको मैं ट्रांसलेशन की टेक्निक अब मैं अब ये आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप डेली अपने क्वेश्चन का भी स्केजल बनाएंगे प्रॉपर सिनोनिम्स भी तैयार करेंगे और टेन डेली एडियम्स भी तैयार करेंगे बेटा अब एक हंड्रेड जो वन हंड्रेड की आप इंग्लिश नहीं कर रहे ये याद रहे कि आप टू हंड्रेड जो आपने पार्ट टू में मार्क्स लेने हैं वही आपको पार्ट वन में मिलने हैं तो फॉड से किसी के लिए नहीं अपने ऊपर रहम खाइए अपने ऊपर एहसान कीजिए और ये अब आप 200 का काम करने जा रहे हैं इससे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे और एक चीज़ डराने के लिए नहीं जो बिल्कुल एक हकीकत है कि पार्ट वन की नस्बत पार्ट टू की इंग्लिश ज़्यादा टेक्निकल और थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है तो होपफुली आप अपना रेगुलर काम करते जाएंगे और जितनी हमसे पॉसिबल है जो आपको जिस तरह से ईजी हम करके कन्वीनियंट वे में आपको चीज़ें पहुँचा सकते हैं जब तक ये लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है या जब तक यह पेंडेमिक का खतरा है जिसकी वजह से हम आप लोगों को, को क्लस्टर नहीं बना सकते यहां पर तो आपको एट योर डोर स्टेप हम जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करेंगे एक और रिक्वेस्ट बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है कोई आप चीज पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप बिला ख़तर अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं अब सवाल करना इनफैक्ट बदतमीजी या डिसोबीडियंस नहीं होती आप सवाल ना करना आपको एक मसला आ रहा है और सवाल नहीं पूछ रहे सिर्फ पे कि सर माइंड ना कर लें या कुछ ऐसा ना हो जाए इतनी नैरोडनेस हम लोगों में नहीं है हम बिल्कुल उसका जवाब भी देंगे और तो इन शाहस्फेक्ट्री जवाब देंगे आप अप अपने पूरे कंसर्न्स हमें बता सकते हैं ताकि जिस भी तरह से कोई कमी कोई कोताही कोई शॉर्ट कमिंग हमारे अंदर है लेक्चर के अंदर है हम उसको इंप्रूव करें आपकी सजेशन हैं जो हमें बेहतर बनाएगी परफेक्शन तो ऐटलीस्ट मैं तो कम अज़ कम नहीं ड्रीम कर सकता परफेक्ट तो कोई हो नहीं सकता एक्सेप्ट अल्लाह लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि आपके लिए जितना ज़्यादा अच्छा जितना आसन जितना स्पेलेटिव लेवल पे हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकें और सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकें तो हम वो करें अल्लाह तला से दुआ है कि आप और आपके घर वाले सेफ़ एंड साउंड रहें और आप अपने काम को अपने काम को अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखेंगे बेटा बहुत लंबा टाइम हो गया है हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं उम्मीद करता हूँ विल रिमेम्बर मी इन योर बेस्ट प्रेयर्स। सो आई वांट टू से वन मोर थिंग वांट टू से वन मोर थिंग बेटा प्लीज़ सेट योर स्कैचुअल एंड अरेंज योर ऑल सब्जेक्ट्स इन अ सीक्वेंस अल्लाह ब्लेस यू मिलते हैं इन Next lecture, May. Thank you very much.